गाड़ी में स्क्रैप है, गाड़ी जा सकती है। ये चलान चेक करो। अच्छा एंट्री कहाँ करनी? एक मिनट एक मिनट, गाड़ी मत ले जाना। वॉचमैन यहाँ आओ। क्या है इसमें? चेक करो, स्क्रैप है इसमें। हाँ स्क्रैप है, मुझे बना दे। सिर्फ स्क्रैप नहीं है इसमें, मुझे खबर मिली है। अच्छा तो ये स्क्रैप है, इस पुर्जे की कीमत जानते हो? इसने पास किया है स्क्रैप ले जाने का ऑर्डर। मेरे पास ये क्या है? ये मशीन का स्पेयर पार्ट है, और आप सीधी तरह से बात कीजिए मुझसे। काम उल्टा करना है और बात सीधी। क्या मतलब है? स्क्रैप में छिपा कर मशीन के स्पेयर पार्ट बाहर निकाले जा रहे हैं। ये स्पेयर पार्ट स्क्रैप में था? तो फिर What nonsense, आप ऐसी बात भी कैसे कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं, ये तो जब मालिक के सामने खड़े रहोगे ना तभी पता चलेगा तुम्हें। चलो कम ऑन। क्या? चलो। ये क्या बात कर रहे हैं आप? सर फैक्ट्री से बाहर जाने वाला हर कंसाइनमेंट में खुद चेक करता हूँ। आज भी जब लोडिंग हो रही थी मैं खुद वहां था सर, और वो पुर्जा वहां नहीं था। मुझे याद सर, मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए लंच लेने गया था, शायद किसी ने उसी दौरान पुर्जा वहां रखी। घर इतने सालों से इस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, पहले तो कभी नहीं हुआ था। हमारी कंपनी की सिक्योरिटी काफी ईमानदार और काफी सख्त। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं सर, दैट पीस हैड बीन प्लांटेड। मुझे कोई फंसाना चाहता है। कौन फंसाएगा तुम्हें? मालिक, मालिक यही हो। किसी ने रखा था वो पुर्जा ट्रक में, और ये है गवाह बंटी। किसी अपने आंखों से देखा है सब कुछ। नहीं मालिक, नहीं, ये झूठ बोला है मालिक। बात की क्या गारंटी है यादव कि तुम सच बोल रहे हो? ये भी तो हो सकता है कि तुम लोग सब मिले हुए हो और केतन को बचाने के लिए सब कर रहे हो। यादव सब जानते हैं केतन के कारण तुम हवालात के बाहर हो, वरना अभी भी हवालात में होते। और तुम पर हम भरोसा क्यों करें? क्योंकि आज भी वो इस कंपनी के यूनियन का सेक्रेटरी, उस कुर्सी की एक इज्जत, एक रुतबा है जिसकी तौहीन मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वो आज भी इसका इतना ही नेता है जितना बाकी सारे वर्कर। और मुझे अपने वर्कर्स पर पूरा भरोसा है कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ ईमानदार रहे। किसके कहने पर तुमने वो पुर्जा वहां रखा था? किसके कहने पर? राज साहब तो रुकता मालिक, ये काम हो जाने पर मेरे भाई को नौकरी दिलाने का वादा किया था इन्होंने। माफ कर, मेरे घर में बाल बच्चे, उससे गलती हो गई, उस पर रहम कीजिए मालिक, रहम कीजिए मालिक। गेट आउट ऑफ यू।